Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter number 4, that is length, weight, capacity, time and money. इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, वेट, लेंथ, कैपेसिटी, मनी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर. कैलकुलेटिंग टाइम स्पेंड बिटवीन टू एक्टिविटीज. रिलेशन ऑफ ईयर, मंथ, वीक, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. ड्यूरेशन ऑफ टाइम. Measuring weights, lengths using weighing scale or ruler. Calculating money in shopping activities. Calendar reading. Comparing weights and lengths and word problems. Okay, so let's start. Question 1 is, a train left Mumbai at 10:30 a.m. and reached Bangalore at 6:05 p.m. on the same day. How long did it take to reach Bangalore? Ek train hai जो मुंबई से चलती है 10:30 पर और बेंगलोर पहुंचती है 6:05 p.m. पर ऑन द सेम डे. उसी दिन मॉर्निंग में चलती है और शाम को पहुंच जाती है. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच बेंगलोर. तो बेंगलोर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है. तो पहले हम क्या करेंगे, 10:30 से 12 noon तक का टाइम देखेंगे कितना हुआ. फिर 12 noon से 6:05 तक का टाइम देखेंगे कितना हुआ और उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि ट्रेन को मुंबई से बेंगलोर पहुंचने में कितना टाइम लगता है. सो 10:30 to 12 इज इक्वल टू 1 hour 30 minutes एंड 12 to 6:05 इज इक्वल टू 6 hours 5 minutes. इन दोनों को ऐड कर देंगे 35 and 7, 7 hours 35 minutes. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, राघव हैज़ अ रिबन ऑफ लेंथ 5 meters. ही कट्स इट इनटू इक्वल पीसेज ऑफ फॉर 25 स्टूडेंट्स. व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन ईच स्टूडेंट विल गेट. राघव के पास रिबन है 5 meters लॉन्ग. अगर उस रिबन को वो 25 स्टूडेंट्स के लिए इक्वली कट करता है तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रिबन ईच स्टूडेंट विल गेट. तो हर स्टूडेंट को जो पीस मिलेगा उसकी लेंथ क्या होगी. सो पहले हम कन्वर्ट करेंगे 5 meters को. 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeters. सो 5 meters इज इक्वल टू 500 centimeters. सो 500 centimeters को डिवाइड करेंगे 25 से तो आ जाएगा 20 centimeters. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 500 ग्राम शुगर पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 4 kg. 500 ग्राम्स के कितने पैकेट्स ज़रूरत होंगे 4 kg शुगर बनाने के लिए. इट मीन्स कि कितने 5 kg के 500 ग्राम्स के पैकेट हमें चाहिए कि उनको मिलाकर 4 kg शुगर हो जाए. ओके, सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम, है ना. 1 kg अगर 1000 ग्राम है तो 4 kg 4000 ग्राम है. नाउ नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 8 packets. लेट्स सी द आंसर. 8 packets, ऑप्शन ए इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, If cost of 1 kg grapes is 80 rupees, then what is the cost of 250 grams of grapes? अगर 1 kg grapes की cost 80 rupees है, तो 250 gram grapes की cost क्या होगी? 1 kg is equal to 1000 gram. So cost of 1000 gram is equal to rupees 80. Therefore, cost of 1 gram is 80 by 1
1000 and cost of 2250 grams is equal to 80 by 1000 into 250. So 0 से 0 कट हो जाएगा, 25 4 जा 100 is equal to 80 by 4 and is equal to rupees 20. Okay, so option B is the answer. Now question number 5. The weight of each of the 6 identical cube is, जो यहाँ पर ये 6 cubes रखे हैं उनमें से हर किसी का वेट कितना है. तो यहाँ जो ये टोटल वेट रखा है इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमें मालूम चल जाएगा कि एक क्यूब का वेट कितना है. ओके, सो यहाँ पर जो वेट्स रखे हुए हैं वो हैं 500, 500 एंड 500 ग्राम. सो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 1500 ग्राम. नाउ वेट ऑफ वन क्यूब इज 1500 ग्राम डिवाइडेड बाय 6. इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 250 ग्राम्स. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. देखेंगे हम किस ऑप्शंस के जो ग्लासेस हैं उनको ऐड करके 1000 मिलीलीटर बनता है. तो जिस ऑप्शन जिन ऑप्शंस को ऐड करके बनेगा वही इसका आंसर होगा. 200, 200, 200, means 600, no, 500, 500, 500, means 1500, no, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 500, 250, 250, 500, 500 and 500, 1000 milliliter. So option B is the answer. Now question number 7. Weight of an apple is dash gram. एक एप्पल का वेट कितना है. यहाँ पर हमें 2 वेइंग मशीन दिखाई हुई हैं. एक में दिखाया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 लेमन्स का वेट है 17 ग्राम्स एंड 3 लेमन्स और 1 एप्पल का वेट है 28 ग्राम्स. ओके, और फाइंड करना है हमें एक एप्पल का वेट. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे. वेट ऑफ 9 लेमन्स इज इक्वल टू 18 ग्राम. यहाँ पर 18 है ये. ओके, 15, 16, 17, 18 ग्राम्स. सो वेट ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू 18 बाय 9 इज इक्वल टू 2 ग्राम. यानी 1 लेमन का वेट है 2 ग्राम. नाउ वेट ऑफ 1 एप्पल प्लस 3 लेमन्स इज इक्वल टू 28 ग्राम, जो कि यहाँ पर शो किया हुआ है. 3 लेमन्स और 1 एप्पल का वेट 28 ग्राम्स. नाउ वेट ऑफ एप्पल प्लस 3 इंटू 2 ग्राम, लेमन का वेट 2 ग्राम है ना, इज इक्वल टू 28 ग्राम. नाउ एप्पल इज इक्वल एप्पल प्लस 6 ग्राम इज इक्वल टू 28 ग्राम एंड एप्पल इज इक्वल टू 28 ग्राम माइनस 6 ग्राम. सो एप्पल का वेट है 28 माइनस 6 22 ग्राम. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8.
हाउ मच डज अ पाई कॉस्ट, एक पाई की कॉस्ट क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर हमें तरह तरह के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, पाई प्लस डोनट प्लस आइसक्रीम प्लस बिस्किट इज इक्वल टू रुपीज़ 85, डोनट प्लस पाई प्लस आइसक्रीम इज इक्वल टू 75 रुपीज़, डोनट प्लस बिस्किट प्लस डोनट 48 रुपीज़ एंड आइसक्रीम प्लस आइसक्रीम इज 24 रुपीज़। ओके, तो ये कॉस्ट हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन में दी हुई है, हमें फाइंड करनी है इस पाई की कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन है और इसको बहुत ध्यान से हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन जो हमें दिया हुआ है, पाई प्लस डोनट प्लस कपकेक प्लस बिस्किट इज इक्वल टू रुपीज़ 85। ओके, सो डोनट प्लस पाई प्लस कपकेक इज इक्वल टू रुपीज़ 75, डोनट प्लस बिस्किट प्लस डोनट इज इक्वल टू रुपीज़ 48 एंड कपकेक प्लस कपकेक इज इक्वल टू रुपीज़ 24। ये चार कॉम्बिनेशंस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। सी प्लस सी यानी टू कप केक्स हैं 24 रुपीज़ के, तो कप वन कप केक हुआ रुपीज़ 24 डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू रुपीज़ 12। ओके, पहली वैल्यू हमारे पास आ गई, कप केक इज इक्वल टू 12 रुपीज़। नाउ डोनट प्लस पाई प्लस कपकेक इज इक्वल टू रुपीज़ 75, जो ये सेकेंड हमें दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, इसमें हम कपकेक की अब वैल्यू रख देंगे। तो डोनट प्लस पाई प्लस 12 इज इक्वल टू 75 रुपीज़। ओके, नाउ डोनट प्लस पाई इज इक्वल टू 75 माइनस 12, और डोनट प्लस पाई इज इक्वल टू रुपीज़ 63। नाउ जो फर्स्ट हमें कॉम्बिनेशन यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, इसको अब हम देखते हैं। पाई प्लस डोनट प्लस कपकेक प्लस बिस्किट इज इक्वल टू रुपीज़ 85। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, डोनट प्लस पाई प्लस केक इज इक्वल टू रुपीज़ 75। इसमें हम वैल्यू रखेंगे इसकी। सो 75 प्लस बी इज इक्वल रुपीज़ 85। 75 कहाँ से आया हमारे पास, जो ये स्टेटमेंट थी हमारी, इसमें से हमने पी डी पी प्लस सी यानी डोनट पाई प्लस डोनट प्लस कपकेक इज इक्वल टू रुपीज़ 75 एंड 75 प्लस बिस्किट इज इक्वल टू रुपीज़ 85। ठीक है, सो बिस्किट इज इक्वल टू रुपीज़ 85 माइनस रुपीज़ 75 और बिस्किट इज इक्वल टू रुपीज़ 10। तो यहाँ हमें कपकेक की वैल्यू मिली रुपीज़ 12, यहाँ बिस्किट की हमें वैल्यू मिली रुपीज़ 10। नाउ डोनट प्लस बिस्किट प्लस डोनट इज इक्वल टू रुपीज़ 48। ये जो थर्ड कॉम्बिनेशन हमें यहाँ दिया हुआ था, इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे अब, इज इक्वल टू 48 और डोनट प्लस बिस्किट की वैल्यू थी 10 रुपीज़ प्लस डोनट इज इक्वल टू रुपीज़ 48 और डी प्लस डी इज इक्वल टू रुपीज़ 48 माइनस रुपीज़ 10 और डोनट प्लस डोनट इज इक्वल टू
₹38। सो वन डोनट जो है वो हो जाएगा, 38 को डिवाइड करेंगे 2 से तो डी इज इक्वल टू 19। ओके, यहाँ हमारे पास कपकेक की वैल्यू आ गई, यहाँ हमारे पास बिस्किट की वैल्यू आ गई, यहाँ हमारे पास डोनट की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ अब जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, डोनट प्लस पाई इज इक्वल टू 63, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट आया था इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे डोनट की। सो पी 19 प्लस पी इज इक्वल टू 63, पी इज इक्वल टू 63 माइनस 19 और पी इज इक्वल टू ₹44। ओके, सो पाई की वैल्यू, पाई की कॉस्ट है ₹44। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ओके, वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, राधा हैज़ ₹466, हाउ मैनी मैक्सिमम पेंसिल्स ऑफ ₹8 ईच कैन शी बाय। राधा के पास 466 रुपीज़ हैं, 8 रुपीज़ की कॉस्ट वाली पेंसिल वो कितनी खरीद सकती है, तो 8 से डिवाइड करेंगे 466 को, 466 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आंसर आएगा 58.25। ओके, तो 0.25 को अगर हम छोड़ दें तो जो पेंसिल्स वो खरीद सकती है वो है 58। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अतुल सोल्ड 6 शर्ट्स फॉर ₹145 ईच एंड विद दिस अमाउंट ही बॉट 2 बैग्स ईच ऑफ सेम कॉस्ट, फाइंड द प्राइस ऑफ अ बैग। अतुल ने 6 शर्ट्स बेची हैं जिनमें से हर एक की कॉस्ट है ₹145 और जो भी अमाउंट उसको मिला उससे उसने 2 बैग्स खरीदे हैं जिनमें दोनों का कॉस्ट बराबर है, तो फाइंड द प्राइस ऑफ अ बैग, तो बैग की कॉस्ट क्या है। तो पहले हम 6 शर्ट की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 145 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमें मालूम चल जाएगा उसने 6 शर्ट्स कितने रुपीस में बेची है। फिर जो अमाउंट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों बैग की कॉस्ट इक्वल है, तो 2 से डिवाइड करने पर हमें मालूम चल जाएगा एक बैग की कॉस्ट क्या है। ओके, सो पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 145 को, आएगा 870। तो ये तो शर्ट्स की कॉस्ट हो गई। नाउ 870 को डिवाइड करेंगे 2 से क्योंकि दोनों बैग्स की कॉस्ट सेम है, तो आएगा ₹435। ये हो गई कॉस्ट बैग की, ₹435। ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ सौम्या वॉन्ट्स टू पोर होल वाटर फ्रॉम जग इन टू द ग्लासेज ऑफ 400 ml कैपेसिटी देन हाउ मैनी ग्लासेज विल शी नीड। ये जो जग है इसमें टोटल वाटर है 3 लीटर 200 ml। ओके, तो अगर सौम्या 400 ml की कैपेसिटी वाले ग्लासेज में इस पूरे पानी को डालना चाहती है तो उसको कितने ग्लासों की ज़रूरत होगी। नंबर ऑफ ग्लासेस हमें फाइंड करने हैं, कितने ग्लास हमें ज़रूरत होंगे, सौम्या को ज़रूरत होंगे। सो पहले हम इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे, 3 लीटर 200 ml इज इक्वल टू 3200 ml। नाउ कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज 400 ml, therefore number of glasses is 3200 ml divided by 400 ml, so number of glasses is 8। 400 से इसको डिवाइड करेंगे, 0000 कैंसिल, 48 जा 32, सो 8 ग्लासेस की उसको ज़रूरत पड़ेगी। सो ऑप्शन बी इज द आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के लिए हमें ये टेबल फॉलो करनी है. मेन्यू ऑफ अ फेमस होटल इज गिवन बिलो. ये एक फेमस होटल का मेन्यू है. स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, सूप, जूस, पिज़्ज़ा, कटलेट, चिप्स पैकेट, कॉफ़ी, टी, वाटर बॉटल, और सामने सामने उनका कॉस्ट दिया हुआ है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. इफ़ सोनिया बॉट 2 soups, 3 coffees एंड 1 tea, देन हाउ मच अमाउंट शी हैज़ टू पे. अगर सोनिया 2 soups, 3 coffees और 1 tea खरीदती है तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा टोटल कॉस्ट. सो 2 soups वो लेती है 30 rupees के, 60 rupees. देन 3 coffees वो लेती है 3 rupees की, 9 rupees. एंड 1 tea वो लेती है 2 rupees की, यानी 2 rupees. इन सबको ऐड कर लेंगे, 9 and 2 11 171. तो टोटल 71 rupees उसको पे करना है. 41, 42, 60 rupees 71. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 के लिए भी हमें यही टेबल फॉलो करनी है. रोहन गेव अ पार्टी टू 2 of his friends. रोहन अपने 2 friends को पार्टी देता है. ही बॉट 2 packets ऑफ चिप्स, 1 pizza, 2 cutlets एंड 3 juices. हाउ मच ही हैज़ टू पे. तो रोहन ने जो जो सामान खरीदा है उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा. तो उसने भी जो सामान खरीदे हैं ना, अब देखते हैं रोहन ने क्या क्या सामान खरीदा था. उसने 2 packet ऑफ चिप्स जिनका कॉस्ट है 10 rupees, इट मीन्स 20 rupees. 1 pizza जिसका कॉस्ट है 70 rupees, इज इक्वल टू 70 rupees. 2 cutlets जिनका कॉस्ट है 12 rupees, तो 24 rupees. एंड 3 juices जिनका कॉस्ट है 10 rupees, तो 30 rupees. इन सबको ऐड करेंगे, 4, 7, 3, 10 and 2, 12 and 2, 14, यानी ₹144. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ईच आइटम स्टैंड्स फॉर अ डिफरेंट वैल्यू. द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज गिवन. जो भी यहाँ आइटम्स हैं सबकी वैल्यू अलग अलग है. वाटर प्योरीफायर है, कैटल है, टेबल फैन है, कुकर है. ओके, लेकिन जिस रो में तीनों हैं उनका कॉस्ट का टोटल यहाँ दिया हुआ है. यानी वाटर प्योरीफायर, कैटल, फैन 125 rupees के, कुकर एंड 2 kettles आर 196 rupees, टेबल फैन कैन सॉरी कैटल एंड कुकर 240 rupees. और अगर इस तरह से ऐड करते हैं तो उनकी कॉस्ट भी यहाँ पर दी हुई है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाटर प्योरीफायर. वाटर प्योरीफायर की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ लेंथी क्वेश्चन. गिवन क्या क्या है, कैटल प्लस कैटल प्लस कैटल इज इक्वल टू 54. दे आर फोर 3K इज इक्वल टू 54 एंड K इज इक्वल टू 54/3 इज इक्वल टू ₹18. ओके, फर्स्ट वैल्यू ये निकल के आई K की, ₹18. नाउ अगेन गिवन इज कुकर प्लस कैटल प्लस कैटल इज इक्वल टू 196. नाउ कैटल की वैल्यू हमें यहाँ मालूम चल गई है. तो C प्लस 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 196 और C प्लस 36 इज इक्वल टू 196 और C इज इक्वल टू 196 माइनस 36 इज इक्वल टू ₹160. कुकर की वैल्यू भी पता चल गई. नाउ नेक्स्ट इज गिवन फैन प्लस कैटल प्लस कुकर इज इक्वल टू 240 rupees. नाउ फैन प्लस कैटल की वैल्यू 18 rupees एंड कुकर की वैल्यूज 160 rupees इज इक्वल टू 240. एफ
फैन प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 178 इज इक्वल टू 240, फैन इज इक्वल टू 240 माइनस 178 इज इक्वल टू 62. तो फैन की वैल्यू भी मालूम चल गई. नाउ नेक्स्ट इज गिवन वाटर प्यूरीफायर प्लस केटल प्लस फैन इज इक्वल टू 125. नाउ वाटर प्यूरीफायर प्लस केटल इज 18 प्लस फैन इज 62 इज इक्वल टू 125. सो वाटर प्यूरीफायर प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 80. वाटर प्यूरीफायर प्लस 80 इज इक्वल टू 125. सो वाटर प्यूरीफायर इज इक्वल टू 125 माइनस 80 इज इक्वल टू 45. सो द वैल्यू ऑफ वाटर प्यूरीफायर इज रुपीज 45. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. डॉक्टर एडवाइज्ड अरमान टू टेक 3 ml ऑफ कफ सिरप 2 times अ डे फॉर 4 weeks. डॉक्टर ने एडवाइस किया है अरमान को 3 ml कफ सिरप दिन में 2 बार 4 दिन तक के लिए. ओके, तो हाउ मच कफ सिरप विल अरमान यूजेज इन 4 days. तो 4 days में अरमान ने कितना कफ सिरप यूज़ किया है. एक दिन में 2 बार एंड 4 days के लिए. तो 3 ml इंटू 2, एक दिन में 2 बार लेना है, एक बार में इतना लेना है, तो एक दिन में हो गया 6 ml. 6 ml लेना है 4 days के लिए. तो 6 × 4 = 24 ml. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. सो टुडे वी विल डू अप टू क्वेश्चन नंबर 15 ओनली. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16. टिल देन प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.